अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। ट्रेन लवर ऑफिशियल की तरफ से आपको खुश आमदीद बोलता हूँ। दोस्तों मैंने ये एक गिम्बल लिया है जो कि ट्रेन की वीडियोस को बनाने के लिए, सो अभी मैं इसकी पैकिंग करूँगा। और मैंने स्पेशली ये ट्रेन की वीडियो बनाने के लिए लिया है और ये बहुत ज़बरदस्त स्मूथ फोर है ये, ठीक है, ज़ायोन कंपनी की है ये। और अभी आप देख रहे होंगे कि पीछे से हमारी केरोसिन ऑयल की ट्रेन आ रही है हमारी, ठीक है, ब्रेड ट्रेन है। अभी मैं इसकी करूँगा ओपनिंग और आपको दिखाऊँगा कि ये कैसा है और इसकी वर्किंग कैसी है। तो स्पेशली मैंने ये लिया कि हमारी जो ट्रेन है उनके लिए। तो ये समूथ फोर है, ज़ायोन कंपनी की है और ये मैंने स्पेशल ट्रेन्स की वीडियो बनाने के लिए इसको मैंने परचेज़ किया है। तो अभी इसकी ओपनिंग करते हैं। पैकिंग मैंने इसकी पहले ओपन कर ली थी लेकिन ये है कि मैं अभी इसको ओपन करके आपको दे। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी पैकिंग है और ये दराज से मैंने इसको ऑर्डर किया। तो इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये इसका क्या पर्पज़ है। सही है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये इसमें USB केबल है जो कि इसकी चार्जिंग के लिए है, ठीक है। और ये इसका ट्राईपॉड है, मतलब ये हम इसको एज ए स्टैंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी भी आपको मैं वर्किंग अभी दिखाऊंगा। तो जी ये है समूथ फोर और अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो ये है बेसिकली इसका बहुत ही ज़बरदस्त इसका ये साइज़ है ज़ायोन का, और स्पेशल वीडियो को बनाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये गिम्बल है। और मैंने स्पेशली इसको परचेज़ भी इसलिए किया कि ताकि जो है मैं ट्रेन की जो वीडियो है वो मैं अच्छी तरह से बना सकूं। तो ये इसके कुछ लॉक हैं, मैं इनको अनलॉक कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, ये अनलॉक हो गया यहाँ से। और इसके अलावा ये इसका यहाँ पे मोबाइल लगेगा इसके अंदर, आपको वो भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पावर का बटन कहाँ पर लगा। जी ये इसकी पावर का बटन फ्रंट पर ही है, ठीक है, और मैंने इसकी पावर को ऑन कर दिया है, ठीक है। और ये इसका जूमिंग का सिस्टम है, क्या आपने जूम को कैसे जूम इन जूम आउट कैसे करना है। तो अभी जो है ये सिस्टम अनलॉक है, तो मैं फ़िलहाल इसको पहले ऑफ़ करूँगा क्योंकि जब भी आपने इसको जब आपने लगाना है तो सबसे पहले आपने इसका बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको एक मोबाइल दिखाते हैं, अपना मोबाइल निकालो। ज़बरदस्त है और साइज़ भी इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है और इसका क्योंकि बैटरी बैकअप इसका बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम इसके साथ लगाते हैं मोबाइल। तो पावर जो है हम इसकी पहले बने हुए हैं, हमने इसके लॉक जो हैं वो अनलॉक करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अनलॉक करूँगा यहाँ से, ठीक है। अनलॉक इसका ये एक बटन है जो इसको अनलॉक करता है और ऑलरेडी ये भी अनलॉक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल लगाऊँगा, तो मोबाइल की डायरेक्शन जो है वो हमें देखनी पड़ेगी कि कौन सी साइड यहाँ पर मोबाइल के लिए इस्तेमाल होती है। ये इसका पीछे बैलेंस के लिए लगा हुआ है कि आपने इसको बैलेंस कैसे करना है। तो अभी जो है मैं इसके साथ अपना मोबाइल अटैच करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से इसका लेवल करके ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करूँगा, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो इसकी मोटर जो है वो ऑपरेट होंगी और देखते हैं कि इसका जो मोड है वो किस मोड पे ये जाता है। तो सबसे पहले हम इसका मोड देखेंगे। जो लॉक है वो मैंने यहाँ से अनलॉक कर लिया है। तो ये देखें, ये इस टाइम बिल्कुल स्मूथ जो है ये रोटेट कर रही है। अभी हम इसके मोड पे जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसका कैमरा ऑन करता हूँ तो अभी मैं इसको रोटेट करता हूँ यहाँ से, ये देखें, ठीक है, इस टाइम ये बिल्कुल लेवल पे है, कोई मसला नहीं है इसको। और आप देख रहे होंगे फ़िलहाल मैंने अभी इसका कैमरा को नहीं छेड़ा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसका कैमरा यहाँ से छेड़ता हूँ तो बहुत ज़बरदस्त इसका बैलेंस है, ठीक है। और इसमें जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन है लेकिन उसके लिए मुझे एप्लीकेशन डालना ज़रूरी होगी, ज़ायोन की एप्लीकेशन है, ठीक है। और जो कि ये समूथ फोर इसका मॉडल है और बहुत ही ज़बरदस्त है ये।
तो आपने सबसे पहले इसको अनलॉक ज़रूर करना है। अनलॉक करने के बाद आपने मोबाइल को लगाना, मोबाइल को जो खुद ही स्टेबल करेगी। ये पीछे इसका वेट बैलेंस लगा हुआ है, ठीक है, कि आपने अपने मोबाइल को किस तरह करना, और मैं इसको जिस तरह भी घुमाऊँगा तो ये ऑटो पे मूव होती जाएगी, ठीक है। और ये इस टाइम ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ है, और इसका जो बैलेंस है, आएँ आपको थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ से इसका रिव्यू। ये देखें अभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई है, फिलहाल मैंने इसकी एप्लीकेशन नहीं डाली, लेकिन आप ये देखें इसमें आपको ज़रा सी भी वो वेरिएशन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो वीबस स्पेशली ये लिए हमने ट्रेन के लिए, ट्रेन की वीडियो बनाने के लिए, और उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा मज़ा कराएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रेन लवर ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ। स्पेशली ये हमने लिया ट्रेन की वीडियो बनाने के लिए, और इसके अलावा मैंने एक और भी लिया, वो एक्सेस का है, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। वो गिम्बल जो है उसमें एक्सटेंशन रॉड है, और जबकि ये जो है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने इसको एक्सटेंड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये स्टैंड इसके साथ लगा दूँगा। ये मेरे पास एक स्टैंड है, ट्राईपोड है, ठीक है। तो ये मैं अगर इसके साथ लगा देता हूँ तो ये देखें ये स्टैंड, अब मैं इसको ओपन करके नीचे भी रख सकता हूँ, और इसको मैं क्लोज़ करके यहाँ से मैं इसको पकड़ भी सकता हूँ, और मैं इसके साथ एक्सटेंशन रॉड भी लगा सकता हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त है ये गिम्बल, और बहुत मज़ा आएगा इसको इस्तेमाल करते हुए। तो अभी जो है व्यूअर्स, थोड़ा सा मैं आपको इसका रिव्यू दिखा देता हूँ। ये देखें अब मैं इसको जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप देखें ज़रा इस तरफ से, तो ये एक्सटेंशन रॉड है, ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है इसको इस्तेमाल करते हुए, इसमें कोई मसला नहीं है। ये देखें बिल्कुल ईजिली रोटेट हो रही है, और ऑटो फोकस भी है इसमें, और इसके अलावा आप इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। फिलहाल मैंने इसमें अभी एप्लीकेशन नहीं डाली कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने एप्लीकेशन इसके अंदर डाली है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो व्यूअर्स ये लिए है हमने स्पेशल ट्रेन लवर ऑफिशियल चैनल के लिए, और आई होप कि हमें पाकिस्तान रेलवे से मोहब्बत है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे को प्रमोट करें, तो जितना हो सकता है अपने तौर पर हम करते हैं, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी डालते हैं। तो हमने वीडियो को मज़ीद स्टेबल करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आपकी जो वीडियोज़ हैं उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन वेरिएशन आती है और स्मूथ नहीं बनती, तो डेट्स वाई परचेज दिस गिम्बल फॉर स्मूथ वीडियो। और ये ज़ायून कंपनी का है, स्मूथ 4 है, बहुत ज़बरदस्त है। तो जितनी मेरी रेंज थी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसको परचेज़ किया, और आई होप कि इससे अब बहुत ज़बरदस्त टॉप क्लास की वीडियोज़ बनेंगी। और अगर हम बाइक पर भी सफ़र करते हैं या कहीं पर जंप आता है या ईच एंड एवरी थिंग कुछ भी ऐसा वैसा आता है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़बरदस्त इससे वीडियो बनेगी। तो व्यूअर्स, हमारे हौसले को बुलंद करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग व्लॉगिंग्स आपके लिए कर रहे होते हैं, कुछ हमारी पर्सनल हॉबी भी होती है, हमें क्रेज़ है, हमें शौक़ है, तो हम अपनी हॉबीज़ को आप लोगों तक भी पहुंचाते हैं, आपको ट्रेन की वीडियो दिखाते हैं। और पाकिस्तान रेलवे के लिए आप ज़रूर दुआ करें, कल हमारी जो टू डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस जो है उसकी ओवर शूट हुई ब्रेक फेल होने की वजह से, तो अल्लाह ताला ने नुकसान से बचाया जानी, हमारे जो पैसेंजर्स थे वो सेफ रहे, और मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन के पास जो है वो उसका हादसा हुआ, तो मजबूरन हमें ब्रेक लाइन के ऊपर अपने जो इंजन है उसको उतारना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो ZCU-30 चाइनीज़ लोकोमोटिव था उस पर उसके टायर्स वगैरह सारे ज़मीन के अंदर धंस गए थे, तो उसमें भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ हमारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो नए वो रैक्स जो थे उसको इंजन लगा के कराची की तरफ दोबारा रवाना कर दिया था। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और बेसिकली मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को मैं ये गिम्बल दिखाऊं, कि स्पेशली हम लोग रेल फैनिंग के लिए इसको लेते हैं, और रेन फैलिंग के लिए हम इसको लेते हैं, हमने इसलिए लिया इसको ताकि आप लोगों को बताया जाए कि हम पाकिस्तान रेलवे के कितने बड़े फ़ैन हैं, और पाकिस्तान रेलवे को इंशाल्लाह ताला हमारी अल्लाह से भी दुआ है कि पाकिस्तान रेलवे को अल्लाह ताला तरक्की दे और ये दिन ब दिन बहुत ऊपर जाए, क्योंकि अदर्स कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रेलवे जो है उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, जैसे इंडिया है, और इसके अलावा बाकी यूरोपियंस में जितने भी रेलवे हैं बड़े, वो काफ़ी डेवलप रेलवे है। सो आई होप कि इंशाल्लाह ताला सोन एज पॉसिबल जो है पाकिस्तान रेलवे भी तरक्की करेगा और एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएगा, जैसे ML1 का हमारा प्रोजेक्ट है, वो भी इंशाल्लाह ताला उसका भी इफ्तिताह इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।